ठाकुर। चाहे लाखे कोड़े मारो पर एक बार तो राधे राधे पुकारो। उनको कोड़े पे कोड़े मारता था काजी कसाई, और वो दोनों हाथ उठा के कहते थे भैया देख लो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, जितना मारना है मारो, पर एक ही निवेदन है एक बार हरी हरी पुकार लो, एक बार राधा राधा पुकार लो। कैसी लगन है साहब, न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है। हम आपका नाम दिन भर लेते हैं, माला जपते हैं, हम गंगा नहाते हैं, हमको कोड़ा पड़वा रहे हो, फाड़ में गए तुम भगवान। बताओ हम 6 महीना से गुरुजी आपके दरबार में आ रहे हैं, हमारा जब काम ही नहीं हो रहा है तो अपना ले ये ले अपनी लकुट कमरिया माला फाला ले महाराज। महाराज ये माला जानते हो क्या है, जब कभी किसी गड्ढे में कुएं में उतरते हैं या माउंटेन से जब नीचे आते हैं तो हाथ में बड़ी रस्सी होती है, रस्सी के सहारे। ये माला भी कृष्ण नाम की ऐसी माला है कि दुनिया के किसी गड्ढे में गिर जाओ फिर निकाल के कृष्ण चरणार बिंदु में बिठा देगी, ये वो माला है। इस माला का त्याग मत करो। तो यहां तो बस वही हो, लेकिन गुरुजी कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग गया मेरा नमन का फेर। अरे तो भगवान कृष्ण भी तो कर रहे हैं कि जपों में श्रेष्ठ जप यज्ञ है मैं ही जप, वो क्यों नहीं मानते? बात देखो कंट्राडिक्शन में मत जाओ, सीधी बात सुन लो एक लाइन में। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता और माता की सेवा करना वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है और धर्म को मानना चाहिए। बस एक अपवाद है इसमें, अगर वो पिता माता या दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रभु के राह में और धर्म के राह में खड़ा हो जाए तो उस समय राम और धर्म को मानना परम धर्म है। संसार में पिता माता को मानना धर्म है, और अगर कोई माता पिता तुमको ठाकुर जी से जोड़ ही रहा है तब जबरदस्ती क्या उनसे युद्ध करोगे क्या जाके? कि नहीं गुरु जी बिना माता पिता से युद्ध किए भक्ति होगा कैसे, पागल आदमी लगता है। धर्म और परम धर्म है, अलग अलग अवस्थाओं, ये दो स्थितियां हैं शास्त्र की। हम इनको कंट्राडिक्टरी बना दिया है हमने, ये दो स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता के, अरे माता पिता की सेवा करके ही पुंडरीक के द्वार पर भगवान पुंडरीक आ गए, खड़ा कर दिया, बोला खड़े रहो अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। अरे बोला कोई चेयर वर दो, बोला अभी कुछ नहीं है ले ईंट, ईंट पे खड़े हो जाओ, ईंट दे दिया, ईंट पे खड़े हो गए, नाम हो गया इट्ठल, बाद में लोगों ने कह दिया विट्ठल, विट्ठला विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। डांगनी तरंग तो बहुत है पर मरने को भी समय नहीं। महाराज बताओ ईंट पे खड़ा इट्ठला, गुरु सेवा से भी गोविंद मिलते, मातृपुत्र सेवा से भी गोविंद मिलते। बस एक ही जगह पर गोस्वामी जी ने कहा है जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि, वैदेही वैदेही भी आ जाई डॉक्टर वैदेही भाई याद रख लो माइक से बोल दे रहा हूं मैं, जाके प्रिय वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, ध्यान दे देना लोगों, वैदेही के विरुद्ध हुए तो फिर जाके, दिल से कह रहा हूं जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। घड़ी देख के तो सारा जोश खत्म हो जाता है, जैसे देखता हूं कि आवाज एकदम सप्तम से प्रथम सुर में आ जाता है सारे, वह दिव्याति दिव्य भाव से। तो मूल इसमें यह है कि प्रहलाद जी की श्रद्धा कहीं मिटी नहीं, अडिग रही, खंभे में नरसिंह नहीं है, नरसिंह प्रहलाद की श्रद्धा और विश्वास में है। अगर वो श्रद्धा और विश्वास होगा तो हर जगह मिलेंगे। हो गया प्रहलाद,
ठाकुर जी आए, उसके बाद वो क्या क्या किया, वो बहुत वरदान वरदान मांगा महाराज, ऐसे करके वैसे करके ऊपर ने मरे नीचे मरे, ये महीने मैंने वो महीने मैंने मैंने वही थी, इतना सांस बीच में सांस लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बोले भाई कितना बोलेगा भाई, बोलते ही जा रहा। अब बाद में ठाकुर जी ने कहा बड़ा जड़ से न चैतन्य से, नाखून न जड़ है न चैतन्य, याद रखना, थोड़ा सा ऊपर से काटो तो कोई दर्द नहीं, थोड़ा लगा के काट दिया तो ये जड़ और चैतन्य दोनों के बीच की चीज है। इसलिए भगवान नरसिंह ने कहा न जड़ से न चैतन्य से तेरे लिए स्पेशल व्यवस्था बनाया, तुम्हारा सब व्यवस्था।